सभी के लिए इस वक्त की जो है काफ़ी अच्छी अपडेट जो है निकल के आ रहा है। जी हाँ, आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ब्रेकिंग न्यूज़ जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है न्यू अपडेट जो है निकल के आ रहे हैं। जी हाँ, धान जो है 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से छत्तीसगढ़ में आपको जो है मिलने वाला है। जी हाँ, आज तक के जो है कभी भी 3100 रुपये आपको जो है धान का समर्थन मूल्य नहीं मिला है। ये पहली बार होगा जब आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, जब आप लोगों को पहली बार जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से आपको जो है धान का समर्थन मूल्य मिल रहा हो, क्योंकि आज से पहले कभी भी आपको 3100 रुपये जो है धान का समर्थन मूल्य नहीं मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ जो है छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ़ करेगी बीजेपी सरकार। जी हां, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है न्यू अपडेट है, और बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी किसानों के लिए ही काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सभी किसानों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया और अपना पूर्ण बहुमत, अपना पूर्ण जनादेश इस बार जो है बीजेपी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है। तो अब बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा भी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा भी छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, जिससे कि छत्तीसगढ़ के सभी किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाए, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों की फाइनेंशियल स्थिति बेहतर हो पाए, और छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के सभी सपने जो है, छत्तीसगढ़ के किसानों के जो है सभी ड्रीम्स, सभी ख्वाब जो है पूरे हो पाए, और उन सभी के सपनों को पूरा करने के लिए, उन सभी के ड्रीम्स को, उन सभी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। जी हाँ, और धान खरीदी में आपको जो है 3100 रुपये जो है प्रति क्विंटल की दर से आपको जो है धान का समर्थन मूल्य मिलेगा। इसके साथ किसानों का कर्जा माफ़ भी आपका जो है होने वाला है। बीजेपी गवर्नमेंट्स, बीजेपी सरकार आप सभी किसानों का कर्जा माफ़ करने वाली है, जो कि छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काबिले तारीफ है, और एक के बाद एक जो है आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, एक के बाद एक जो है आप सभी के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जो है काम किए जा रहे हैं, ताकि आप सभी को बेहतर से बेहतर जो है लाभ दिया जा सके, आप सभी किसानों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है काम हो सके। और इसके साथ जो है कर्ज़ा माफ़ी के अलावा भी 2 साल का बोनस भी आपको मिलने वाला है सीधे आपके बैंक अकाउंट में। जी हाँ, 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के जो है सभी किसानों के खाते में जो है 2 साल का बोनस का पैसा आपके बैंक अकाउंट में जो है सीधे भेजे जाएंगे। जी हाँ, 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के खाते में 2 साल का बोनस की राशि सिर्फ एक ही बार में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी घोषणा पत्र, जितने भी मैनिफेस्टो जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, जितने भी मैनिफेस्टो, जितने भी अपडेट जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो काबिले तारीफ़ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, एक के बाद एक आप सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट अपडेट निकाले जाते हैं, एक के बाद एक आप सभी के लिए आप सभी अपडेट जो है निकाले जाते हैं, ताकि उन सभी अपडेट्स का फ़ायदा, लाभ जो है आप सभी को जो है मिल पाए, और किसानों का कर्ज़ा भी माफ़ करेगी बीजेपी सरकार। न्यू अपडेट जो है इस समय निकल कर आ रहे हैं, और बकाया आपके जो है 2 साल का बोनस का पैसा, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का आपका जो है 2 साल का बोनस का पैसा जो है सीधे आपके बैंक अकाउंट में जो है भेज दिया जाएगा, सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में जो है आप सभी किसानों के लिए जो है काफ़ी अच्छे काम, काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णायक काम, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है निर्णायक फैसले जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णायक फैसले आप सभी के लिए जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, आप सभी के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी के लिए। जी हाँ, तो एक के बाद एक आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो आप सभी के लिए एक के बाद एक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जो है निकल कर आ रहे हैं। जी हाँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ जो है धान का जो है आपको 3100 रुपये जो है प्रति क्विंटल की दर से आपको जो है धान का समर्थन मूल्य भी मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी है। जी हाँ, और जितने भी घोषणा पत्र, जितने भी मैनिफेस्टो में आप सभी के लिए जो है जारी किए जाते हैं बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी हाँ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किए जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं, और उसका जो है सीधा सीधा असर, उसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है,
उसका पूरा का पूरा जो है लाभ आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। जी हाँ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं ताकि आप सभी के लिए जो है एक के बाद एक जो है नए नए अपडेट निकाले जा सके, एक के बाद एक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है डिटेल्स निकल कर आ सके। तो आप सभी किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बीजेपी की गवर्नमेंट्स आप सभी की सरकार है, आप सभी किसानों के लिए जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इम्पॉर्टेंट काम किए जा रहे हैं। और आपका जो है पैसा सीधे आपके जो है बैंक अकाउंट में सीधे के सीधे पूरे के पूरे पैसे आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और ये छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट्स की, छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार की काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। और आप सभी किसानों के लिए जो है काफ़ी अच्छे काम जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छे काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। जितने भी अपडेट जो है आप सभी के लिए निकाले जाते हैं वो सभी अपडेट जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक के बाद एक आप सभी के लिए वो सभी अपडेट जो है निकल कर आने वाले हैं, और आने वाले टाइम में भी और भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट जो है आप सभी के लिए निकाले जाएंगे। और इसका सीधा सीधा अब इसका सीधा सीधा फ़ायदा, इसका सीधा सीधा असर जो है आप सभी किसानों को जो है मिलने वाला है। जी हाँ, तो किसानों के लिए सबसे अच्छी सौगात है, किसानों के लिए ही सबसे बड़ी बात है, किसानों के लिए सबसे बड़ी अपडेट है कि छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज़ा माफ़ होने वाला है। जी हाँ, और इसके साथ ही आपको जो है 2 साल का जो है बकाया बोनस, 2 साल के आपको जो है बोनस की राशि आपके बैंक अकाउंट में सीधे पूरे के पूरे पैसे आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपडेट होने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आप सभी के लिए जानकारी होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी किसानों के लिए। तो जितने भी अपडेट जो है निकाले जाते हैं वो आप सभी किसानों के लिए निकाले जाते हैं ताकि आप सभी किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाए, आप सभी किसानों की फाइनेंशियल स्थिति बूस्टअप हो पाए, और आपके सभी सपने जो है और आपके सभी ख्वाब और आपके सभी ड्रीम जो है पूरे हो पाए। इन सभी के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं। तो आने वाले टाइम में और भी कहीं ज़्यादा आने वाले टाइम में और भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आप सभी के लिए अपडेट जो है निकल कर आने वाले हैं। आई होप जितने भी जानकारी, आई होप जितने भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी अपडेट जो है सभी जानकारी आप सभी को पसंद आया हो। तो सभी जानकारी सभी अपडेट अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बस शेयर करना सभी किसानों तक वीडियोज़ पहुँच सके, उन्हें भी नए नए जानकारी नए नए अपडेट जो है जानकारी जो है पता चल सके। तो चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।